कांग्रेसी लीडर उस्मान अल हाजरी ने वक्फ बोर्ड के दयानतदार व ईमानदार एग्जीक्यूटिव इंक्वायरी ऑफिसर अब्दुल वाहिद के खिलाफ जारी करदा ऑर्डर्स के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया। उस्मान अल हाजरी ने बताया कि अब्दुल वाहिद खान साहब ने तकरीबन 15 साल से ज़ायद का बेहतरीन अरसा वक्फ बोर्ड की अराजियात के तहफ्फुज़ में सफ कर दिया है। उस्मान अल हाजरी ने बताया कि जनाब अब्दुल वाहिद ने कई सारे अहम वक्फ अराजियात का तहफ्फुज़ किया है, जिनके दलाइल के आगे सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को भी हार मानना पड़ा। इस तरह के अचानक एक ईमानदार व दयानतदार ऑफिसर के खिलाफ झूठी दलाइल पेश करते हुए उन्हें उनकी खिदमात से दूर रखना ये बिल्कुल भी दुरुस्त बात नहीं है। उस्मान अला हाजरी ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द वो इस ऑर्डर को वापस लेने का काम करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड से मेरी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि एक दयानतदार ऑफिसर जो तकरीबन 15 साल से वक्फ बोर्ड में एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंक्वायरी ऑफिसर थे, वो काफ़ी उनके खिदमात रहे हैं और जो भी इंक्वायरी उन्होंने की उसको ना लोअर कोर्ट में ना हाई कोर्ट में कोई चैलेंज कर सके। तमाम इंक्वायरी रिपोर्ट्स अब्दुल वाहिद खान साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की इंक्वायरी रिपोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक ही रिपोर्ट आए, फैसले आए। ऐसे दयानतदार ऑफिसर को एज फैक्टर बताकर उनको यहाँ से निकाल दिया गया है, प्रोसीडिंग आ गई है उनकी, जिन्होंने अपने मियाद में 40 से ज़ायद प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड के बचाए। कई इंक्वायरी रिपोर्ट्स, दरगाह यूसुफीन का केस की इंक्वायरी उन्होंने नहीं की, जिसके वो रिपोर्ट पर अल्हम्दुलिल्लाह और रिपोर्ट उनके जो पेश की गई उसके मुताबिक फैसला आया। इसके अलावा सरदार बेग साहब रहमतुल्लाह अलैह की इंक्वायरी रिपोर्ट उन्होंने ही पेश की उस्मानगंज अफजलगंज में और कई खम्भम में, आदिलाबाद में, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स में उन्होंने जो खिदमात, उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी दयानतदारी के साथ उन्होंने उनकी खिदमात अंजाम दी। पता नहीं एक ऐसे दयानतदार ऑफिसर को जो वक्त की प्रॉपर्टीज़ को बचाने में दिलचस्पी है, एक अल्हम्दुलिल्लाह मुतशर्र है और दीनी मिजाज रखते हैं और हमेशा एक जज्बा वक्त की जायदादों को बचाने का है, कौन इसके पीछे कार फरमा है पता नहीं कि उनको झूठी रिपोर्ट उनकी पेश करके कि वो 81 ईयर उनकी एज है, एज फैक्टर बता के उनको यहाँ से, मेरे हाथ में रिपोर्ट है, उनको डिस्पेंस कर दिया फ्रॉम सर्विसेज विद इमीडिएट इफेक्ट करके 4 तारीख को एक प्रोसीडिंग आई है। मैं गुजारिश करता हूँ, ऑर्डर आया ऑफिस ऑर्डर उनके लिए, मैं गुजारिश करता हूँ ऐसे शख्सियत का आप लोग वक्त के तहफ्फुज के लिए, वक्त के इन द इंटरेस्ट ऑफ वक्त, आप उनका ऑर्डर्स को वापस लेने की मेरी गुजारिश है। आप इंक्वायरी कीजिए।